हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ऑल इन वन सॉल्यूशन इन हिंदी में। दोस्तों, मैं हूं नीरज आर्य और आज मैं एक वीडियो बनाऊंगा। दर्शकों के बार बार आग्रह करने पर मुझे कमेंट में मिला है कि सर इस पे एक वीडियो बनाएं, तो आज मैं जो है उस सवाल के ऊपर एक वीडियो बनाता हूं। दोस्तों, पशुपालक भाइयों का जो सवाल है आमतौर पर पूछते हैं वो, भैंस को 3-4 बार झोटे से मिलवाया परंतु हर 20 से 22 दिन बाद फिर गर्मी के लक्षण दिखाती है, कोई उपाय बताएं। ठीक है दोस्तों, मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, अब उत्तर दूंगा। दोस्तों, उत्तर से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आप हमारी वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक घंटी का बेल का निशान आएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद 2-3 सेकंड बाद आएगा घंटी का निशान, उस पर क्लिक करें। उसका यह लाभ होगा कि आपको वीडियो हमारी सबसे पहले मिल जाएगी और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। जब भी आपको समय मिले आप देख सकते हैं उसको वीडियो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। भैंस को 3-4 बार झोटे से मिलवाया परंतु हर 20 से 22 दिन बाद फिर गर्मी के लक्षण दिखाती है भैंस, कोई उपाय बताएं। दोस्तों, उपाय ये हैं, कई बार झोटे से मिलन के बावजूद भी यदि भैंस नहीं ठहरती तो उसके कई लक्षण एक कई कारण हो सकते हैं। इसका इलाज भी कारण का पता चलने पर ही संभव है। ये कारण क्या है उसका जब भी पता चलेगा, जिसमें कुछ बिंदु हैं जो बताता हूँ मैं। जिसमें नंबर एक, संभव है कि झोटा ही नपुंसक अथवा कम जनन क्षमता वाला हो, जिसका स्पर्म काउंट कम हो गया हो। इसका पता इस बात से चल सकता है कि उस झोटे से गर्भित होने वाली बाकी भैंस गाभिन ठहरती हैं या नहीं, इसकी जांच कर लें। अधिकतर भैंस सर्दियों के मौसम में गर्मी में आती हैं, इससे झोटों पर अधिक दबाव रहता है। यदि झोटे में खोट है तो झोटा बदल कर देख लें और कृत्रिम गर्भाधान केंद्र पर कराएं। दोस्तों, नंबर दो है, यदि कृत्रिम गर्भाधान कराने पर भैंस फिरती है तो हो सकता है कि गर्भाधान सही समय पर नहीं किया गया है, गर्भाधान विधि उचित नहीं है, या फिर हिमीकृत वीर्य से गुणवत्ता ठीक नहीं है, उसकी जांच करवाएं। दोस्तों, नंबर तीन, कुछ भैंसों में हार्मोनों का असंतुलन से अंडा सही समय पर नहीं छूटता, इससे निषेचन पश्चात यदि भ्रूण बनता है भी है तो उसका जिंदा रहने की संभावना बहुत कम रहती है। गर्भाधान के बाद यदि भ्रूण 15 दिन के अंदर ही मर जाता है तो हमें जो है भैंस 20 से 22 दिन बाद ठीक समय पर गर्मी में आती है, परंतु यदि भ्रूण की मृत्यु गर्भाधारण के 16 दिन पश्चात होती है तो भैंस पूरे चक्र 20 से 22 दिन के अंदर समय बाद गर्मी के लक्षण दिखाती है। दोस्तों, नंबर चार, बच्चेदानी में संक्रमण इन्फेक्शन होने से भी भैंस नहीं ठहरती। इसका पता जब आपको चलेगा तो गर्मी के समय दिखाई देने वाले तार से चल सकता है, वो लार सी गिरती है, जो लाल जो है उसको देख सकते हैं। आमतौर पर यह तार शीशे पानी की तरह ट्रांसपेरेंट साफ होना चाहिए। यदि इसमें सफेदी या कोई छिछड़े हो तो तात्पर्य है कि बच्चेदानी में संक्रमण या कोई इन्फेक्शन है। इस अवस्था में पहले आप इलाज कराकर इसे सेप्टिक का इलाज कराएं, भैंस को गाभिन कराने का प्रयास असफल रह सकता है। दोस्तों, नंबर पाँच, कुछ भैंसों में डिंब ग्रंथि होती हैं आपकी ओवेरी, जहाँ पर अंडे बनते हैं, पर बनने वाले पित्तपिंड पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते, जिससे वह पर्याप्त मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पैदा नहीं कर पाता। दोस्तों, विकासशील भ्रूण को उपयुक्त वातावरण नहीं मिलने से उसकी मृत्यु हो जाती है, वह क्रैश हो जाता है और भैंस का जो गर्भ है गिर जाता है। रोग निदान करने के बाद पशु चिकित्सक भैंस को गाभिन करवाने के 3 से 4 या 12 10 से 12 दिन बाद उपयुक्त हार्मोन के टीके लगाते हैं। इससे पित्तपिंड द्वारा प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बढ़ जाता है और उससे जो है गाभिन होने की संभावनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपके सवालों में कुछ शांति मिली होगी, आपके कुछ सवाल हैं जो शांत हुए होंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई समस्या है,
कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, वो इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिले। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।